चैनल बैक टू बैक गेमर में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ विंडोज 10 को ऑप्टिमाइज कैसे करें गेमिंग के लिए। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, पीसी में जाना है। ओके, यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जितने भी कैश फाइल हैं ये सब डिलीट मार देनी है। ठीक है, विंडो आर दबा के यहाँ से ट्री डाल देना है। ठीक है, ये कमांड से फिर विंडो आर दबा के फिर ट्री फैच डाल देना है। ऑल करके सिलेक्ट करके इसको इसको भी डिलीट कर देना है। इसके बाद विंडो आर फिर दबाएंगे, फिर टेम्प डालेंगे, ये इसको भी क्लियर कर देना है। विंडो आर दबा के फिर दोबारा से टेम्प डाल देना, फिर जो है फिर कंटिन्यू कर देना। ये सारी फाइलें डिलीट हो गई। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है अपने माई कंप्यूटर में, जिस पीसी में राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में चले जाना है। ओके, तो यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग डालना है। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस में यहाँ पे डालना है, यहाँ पे आपका ये लगा होगा लेट विंडोज, तो आपको एडजस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। ठीक, कस्टम कर लेना है आपको। कस्टम आपको क्या करना है, स्मूथ एजेस और इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और ये सो थंबनेल्स बस, और अप्लाई कर देना है। ओके कर देना है। ओके, यहाँ पे परफॉर्मेंस जाके आपको ओके कर देना है और इसको क्रॉस कर देना है। अब आपको क्या करना है, एक स्टेप और करना है, आपको जो है जाना है अपने इसको क्लियर कर देना है। ये देखिए 43 MB जो डाउनलोड हो रखा था ना, वो कैश फाइल में डिलीट हो गई थी। अब क्या करना है, आपको विंडो आर दबाना, दोबारा दबानी है। अब आपको डालना है MS कॉन्फ़िगरेशन, आप ये डालना है। ठीक, आपको यहाँ पे डालना है MS config। ठीक है, यहाँ पे आ रहा होगा बूट, बूट पे जाना है, सर्विस पे जाना है। यहाँ पे आप देखना है ये सारी ऐप जो है ये रनिंग है, रनिंग है, जो आप यूज नहीं करते आप उसको जो है बंद कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज इंटेल आर ये बेकार है, ये देखिए ये एक्सबॉक्स, एक्सबॉक्स लाइव, ये एक्सबॉक्स लाइव, एक्सबॉक्स नेटवर्क, ये एनवीडिया डिस्प्ले, ये सब आपको अनटिक कर देना है और और जो है डिसेबल कर देना है। टिक कर इसके बाद स्टार्टअप, इसके बाद आपको जाना है बूट पर। ठीक है, बूट पर जाने के बाद यहाँ पे एडवांस ऑप्शन आ रहा होगा, एडवांस ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक सिलेक्ट होगा एक, तो आपको प्रोसेसर 8 सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, ओके, और इसको अप्लाई कर देना है। ओके कर देना है, एक्सिट विदाउट रिस्टार्ट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर राइट क्लिक करना है, एडवांस एडवांस सिस्टम सेटिंग, यहाँ पर यहाँ पर परफॉर्मेंस में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपका लगा होगा बैकग्राउंड सर्विस, तो आपको बैकग्राउंड सर्विस हटा के यहाँ पे प्रोग्राम्स कर देना है। ठीक है, और ये आपको चेंज कर लेना है। आपका यहाँ पे कुछ भी रैंडम होगा आपको कस्टम कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगा, आपको जो है आपको कस्टम कर देना है, तो आपको चेंज करना है।
यहाँ पे आपको कस्टम कस्टम सिलेक्ट कर लेना है, इसको अनटिक करके यहाँ पे कस्टम सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये आप अगर आपकी 8 GB रैम है तो इसको 10,000 10,000 यहाँ पे कर देना और इसको सेट कर देना, और यहाँ पे जो भी टिक हो आपको उसको हटा देना और ओके कर देना, ठीक है। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये ट्रिक आपके में वर्क कर रही है तो मुझे लाइक कर, मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो।